उन्होंने केवल सातवीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है, फिर भी वे एमटेक के छात्रों को पढ़ाते हैं। वे लोग जो इस बात पर आश्चर्य जताते हैं कि ये कैसे संभव है, उन्हें पद्माकर से मिलना चाहिए। वे अपने उड़ान भरने के सपने को सच करने के लिए एक हेलीकॉप्टर का निर्माण करने के करीब हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पुराने हाथों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वैकल्पिक ईंधन वाहन का भी आविष्कार किया है। पद्माकर पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा के रहने वाले हैं। उनको जन्म से ही एक किस्म का दुर्लभ चर्म रोग है। साथी छात्रों द्वारा उनकी इस हालत का मजाक उड़ाए जाने के बाद उनका स्कूल जाना बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद को मोटर वाहन मैकेनिक के तौर पर तैयार किया। बाइक हो या हेलीकॉप्टर, पद्माकर इसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए मैकेनिक के रूप में शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों के दरवाजे तक सेवाएं देने का काम चालू कर दिया। मैंने 17 साल तक तिरुपति के एक गैरेज में काम किया है, फिर मैं काकीनाडा वापस लौट आया। मुझे यहाँ विशाखापट्टनम में आए हुए करीब 25 साल हो गए हैं। 13 वर्ष पहले मैंने करीब 18 साल तक 1200 जहाजों पर काम किया है। मैंने अपने पहले स्वतंत्र शोध में बैटरी बाइक डिजाइन की थी। वायु प्रदूषण को कम करने के वास्ते अपने हिस्से का कार्य करने के लिए पद्माकर ने बैटरी से चलने वाली कार डिजाइन की। तब से उन्होंने बैटरी और सौर ऊर्जा से चलने वाली 600 गाड़ियां डिजाइन की हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजों में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। हम 20 फीट ऊंची उड़ान भरने के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। मुझे सरकार से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद जल्द ही उड़ान भरने की उम्मीद है। विशाखापट्टनम को गौरवान्वित करने और इंजीनियरिंग के छात्रों को तकनीकी कौशल सिखाने की मेरी इच्छा लंबे समय से है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पद्माकर ने भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों को ठीक किया है। इन अनुभवी व्यक्तित्व के जीवन का लक्ष्य है कि वे हेलीकॉप्टर बनाएं और उससे विशाखापट्टनम के आसमान में उड़ान भरें। यहां तक कि उन्होंने नवीन आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए पद्माकर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नामक एक संस्था की भी स्थापना की है। हमने लगभग सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं पद्माकर के काम को करीब से देखता हूं और उनसे सीख रहा हूं। उनके लिए पैसे से ज्यादा ज्ञान और काम कीमती है। पद्माकर ने केवल सातवीं कक्षा तक की पढ़ाई की, फिर भी वे एमटेक के छात्रों को पढ़ाते हैं। मैं हमेशा यह देखती हूं और याद करती हूं कि पिताजी कितने व्यवहारिक हैं। वे चीजों की उपयोगिता और उनके वैकल्पिक उपयोग के बारे में बताते रहते हैं। उन्होंने छोटी छोटी परियोजनाओं पर काम किया और प्रयोगों को पसंद किया है। कुछ भी डिजाइन करते समय वे पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का आकलन जरूर करते हैं। यह बैटरी वाली कार आसान और आरामदायक दोनों है। मुझे उस समय गर्व महसूस होता है जब मेरे दादाजी के काम से मेरे दोस्त उत्साहित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।